हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है, और सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपका अच्छा हो और आप अच्छे अंक लेकर के आओ, इसलिए मैं लेकर के आ चुका हूँ आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 7 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान विषय पेपर के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में से 70 का स्कोर बड़े आराम से कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के अतिरिक्त मैं आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चलूंगा। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने हिंदी विषय के 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है, और इस पेपर में ये 10 जो मॉडल पेपर हैं इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हिंदी विषय के मॉडल पेपर पूरे पूरे हल कराए हैं, कैसे आपको कॉपी लिखनी है, कैसे आपको क्या करना है, ओएमआर सीट को भरना है, सारी जानकारी मैंने दे दी है। आप लोग जाकर वीडियो तुरंत देख लो 22 फरवरी से पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7 मार्च को जो पेपर आएगा, पेपर का पैटर्न सेम इसी पैटर्न पर आधारित होगा जो यहां पर मॉडल पेपर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। पेपर का कोड है मेरे प्यारे बच्चों 825EY, और विषय का कोड है 932। सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। समय आपको पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जो कि हर विषय में रहेगा। पेपर का पूर्णांक हर विषय में 70 अंकों का रहेगा, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। आप इन्हीं निर्देशों के अनुसार ही अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखेंगे, और इन्हीं निर्देशों के अनुसार ही आपको ओएमआर सीट भरना है। यहां पर पहला निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, किस लिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में, यानी 2 खंड होंगे पेपर के, और यहाँ पर खंड आ में जो प्रश्न आएंगे 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर ओएमआर सीट पर दिया जाना है। किस पर दिया जाना है, 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का, और यदि आप इन 20 प्रश्नों का सही उत्तर ओएमआर सीट में और सही तरीके से ओएमआर सीट को भरते हैं तो पूरे पूरे 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आपकी राइटिंग अच्छी हो या फिर ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस 20 प्रश्नों का आंसर सही हो, ओएमआर सीट आपकी सही तरीके से भरी हो, 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटेंगे। बाकी जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे 50 अंकों के, जिसमें से आपके राइटिंग के भी नंबर कटेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगला निर्देश आप लोग ध्यान देंगे, ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। एक बार आपने ओएमआर सीट में उत्तर अंकित कर दिया, अब आप सोच रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। जैसे कि यहाँ पर आप एक उदाहरण के रूप में देख सकते हो, ये ओएमआर सीट का नमूना है, और ये 2023 बोर्ड परीक्षा जो हुई थी उसके पहले यूपी बोर्ड ने 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ओएमआर सीट का नमूना जारी कर दिया था, जैसा कि 2024 में भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें भरी हुई पहले से ही थी, और आपको प्रश्नों का उत्तर आपके हस्ताक्षर यानी जिन बच्चों ने पेपर दिया उनको प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर गोला काला करने थे,
और बाकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनको भरना था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें भरी हुई पहले से ही थी। तो यहाँ पर आपसे गलती क्या हो जाती है, मान लीजिए पहले प्रश्न का उत्तर सही था सी वाला विकल्प, सही था सी वाला, गलती से आपने ए वाले विकल्प को या बी वाले विकल्प को या डी वाले विकल्प को काला कर दिया काले पेन से। मैं आपको पेंसिल से बता रहा हूं लेकिन आपको तो पेन से ही काला करना है, वो भी काले पेन से या फिर नीले पेन से। सही रहेगा यदि आप काले पेन से काला करते हैं। अब आप सोच रहे हैं या आपको याद आ गया कि ये क्या हुआ, मुझसे तो गलती हो गई, अब मैं इसको इस तरह से काट दूं या इरेजर से साफ कर दूं या इसे व्हाइटनर से क्या कर दूं, क्लियर कर दूं, साफ कर दूं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे काट लिए जाएंगे, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। किसी भी हालत में आपको इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग ओएमआर शीट में बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही परीक्षा की कॉपी पर करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप देखेंगे अगला निर्देश है खंड बा 50 अंकों का है, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के और मानचित्र से संबंधित दो प्रश्न दिए गए हैं। अगला है निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा उसे आप अपनी कॉपी में मजबूती के साथ बांध दीजिएगा, ये नहीं ऐसे रख दो तो वो कहीं भी गिर सकता है, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए आप अपने मानचित्र को, जो भी आपको मानचित्र मिलेगा सामाजिक विज्ञान के पेपर में, उसे अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में मजबूती के साथ बांध देना है, जिसके लिए तागा भी आपको मिलेगा वहीं स्कूल में यानी विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप पेपर दे रहे होंगे। यहाँ पर अगला निर्देश है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों खंड आ के यहाँ पर जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों को आप लोग रट लेना, तैयार कर लेना। साथ ही मैं आपको बताता चलूंगा इन प्रश्नों के अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, उससे पहले निर्देश दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विलियम प्रथम, दूसरा ऑटो वान बिस्मार्क, तीसरा ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी और चौथा नेपोलियन। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। सी वाला ऑप्शन सही है। कहने का मतलब है यहाँ पर का यानी ए, खा बी विकल्प, गा सी विकल्प और घा डी विकल्प, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। अब ओएमआर शीट में आपको क्या करना है, पहले प्रश्न के आगे सी वाले गोले को काला कर देना है, यानी जिस प्रश्न में जो विकल्प सही होगा उसी के अनुसार यहाँ पर आप ओएमआर शीट को भरेंगे और उसी के अनुसार यहाँ पर भी आपको नीचे लिखना होगा। मान लीजिए पहले में सी वाला सही है तो सी लिखना होगा, दूसरे में बी सही है तो यहाँ पर बी लिखना होगा, ये चीजें आपको करनी है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर दो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ। पहला है विकल्प गणतंत्र की स्थापना हुई, दूसरा विकल्प है सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, तीसरा विकल्प है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई या चौथा विकल्प सैन्य शासन की स्थापना हुई। तो 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी 1848 में जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी इसके फलस्वरूप वहां पर गणतंत्र की स्थापना हुई। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये प्रश्न बहुत आता है बोर्ड परीक्षा में, हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। मेरे प्यारे बच्चों 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी।
प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का आशय क्या था। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का क्या आशय था। पहला है विकल्प संविधान, दूसरा विकल्प आम जनता, तीसरा विकल्प संसद, चौथा विकल्प इटली। तो जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का क्या आशय था, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों आम जनता। बोक्स जिस्ट का क्या मतलब था, आम जनता था। प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे इंग्लैंड, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा विकल्प है इटली, चौथा है विकल्प फ्रांस। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। प्रश्न है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, क्या 1924 ईस्वी में हुआ, या दूसरा है विकल्प 1919 ईस्वी में, या तीसरा विकल्प है 1929 ईस्वी में, चौथा है विकल्प 1934 ईस्वी में। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1929 ईस्वी में महामंदी का प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। पहला है विकल्प सत्ता का विभाजन, दूसरा विकल्प है सत्ता की साझेदारी, तीसरा विकल्प है राजतंत्र, और चौथा है विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक होता है, मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। पहला है विकल्प राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य, दूसरा विकल्प केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, तीसरा विकल्प शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, चौथा है विकल्प विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है, मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। पहला है विकल्प 1920 में, दूसरा 1885 में, तीसरा 1945 में, चौथा है 1890 में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित किया। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों तमिल, दूसरा विकल्प है यहाँ पर सिंहली, तीसरा है विकल्प पंजाबी, और चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों बंगाली। तो श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित किया, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सिंहली, क्योंकि श्रीलंका में सिंहली भाषा को बोलने वाले बहुत से लोग हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, क्या राजतंत्र सरकार है, या सामुदायिक सरकार है, या सामूहिक सरकार है, या एकपक्षीय सरकार है। तो बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। पहला है विकल्प राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय, दूसरा विकल्प है एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय, तीसरा है विकल्प यहाँ पर एक देश की वस्तुओं व सेवाओं से अर्जित आय, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में
जनसंख्या को भाग देकर जो प्राप्त आय होती है उसे ही क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। इस प्रश्न का विकल्प इस प्रकार से हैं, विकल्प यहाँ पर पहला है मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा विकल्प है विश्व बैंक, तीसरा विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, चौथा विकल्प है UNDP। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों कि किस संगठन के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है, उत्तर हो जाएगा UNDP के द्वारा। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस औसत आय भी कहते हैं, किसे यहाँ पर होगा, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। पहला है विकल्प राष्ट्रीय आय को, दूसरा विकल्प है प्रति व्यक्ति आय को, तीसरा विकल्प है कुल आय को, या चौथा है इन सभी को या ये सभी। उत्तर क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से औसत आय किसे कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। पहला है विकल्प बांग्लादेश, दूसरा श्रीलंका, तीसरा विकल्प पाकिस्तान और चौथा विकल्प मेरे प्यारे बच्चों म्यांमार। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, हर बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। पहला है विकल्प राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा विकल्प है मेघालय और चौथा विकल्प है हरियाणा। तो दिए गए विकल्पों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, भूमि एक संसाधन है, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, क्या मानव निर्मित या प्राकृतिक या सौर ऊर्जा से निर्मित या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि भूमि जो है एक मानव निर्मित संसाधन तो है नहीं, ना ही सौर ऊर्जा से निर्मित है, यह प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है, हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उपहार है। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। पहला है विकल्प पीली, दूसरा विकल्प है सीमेंट, तीसरा विकल्प है काली, चौथा विकल्प है लाल। मेरे प्यारे बच्चों पीली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट जो है यह किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं है। और काली मिट्टी पर हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और ये प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। कपास की खेती के लिए या कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, उपयुक्त मृदा कौन सी है, काली मिट्टी है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18, जो कि इस प्रकार से है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ। पहला विकल्प है वर्ष 1972 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है वर्ष 1992 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा वर्ष 1979 ईस्वी में, चौथा है वर्ष 1998 ईस्वी में। तो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ, इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ। तो मैंने आपको दो प्रश्न दिए हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 19, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है, यानी दिए गए विकल्पों में से क्या है जो कि मृदा अपरदन के लिए साधन के रूप में कार्य करता है, कहाँ पर, पर्वतों पर। यहाँ पर विकल्प है पहला हिमनद, दूसरा विकल्प है जल, तीसरा विकल्प है पशुचारण, तीसरे के बाद चौथा विकल्प है
पवन। तो पर्वतों पर मृदा सबसे ज्यादा किसके द्वारा अपरदन होता है? मृदा का जल के द्वारा। जल के माध्यम से पर्वतों की मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान को बहकर आसानी से चली जाती है, यानी पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? जल है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पहला है विकल्प वैश्विक तापन से, दूसरा विकल्प है जलवायु परिवर्तन से, तीसरा विकल्प है ओजोन क्षरण से, चौथा विकल्प है सतत पोषणीय विकास से। एजेंडा 21 का संबंध है मेरे प्यारे बच्चों सतत पोषणीय विकास से। इसके बाद खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है, और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? एक तर्क दीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। ये सभी प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं 7 मार्च से पहले ही पहले। अथवा में प्रश्न है धारियता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए? अथवा में प्रश्न है यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य लिखिए। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न अगला जो आएगा, प्रश्न संख्या 5, जो कि होगा वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्नों के रूप में, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है, और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न होगा 6 अंकों का। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये सभी प्रश्न तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न क्या है कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है? अथवा में प्रश्न है उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए। फिर प्रश्न संख्या 6 है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण हैं, और एक प्रश्न जरूर आएगा, या तो पूछ लेगा धान की खेती के लिए या गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर प्रश्न है गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा के गैर परंपरागत कर स्रोतों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा 4 स्रोतों, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। और प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? अथवा में प्रश्न है महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। आप लोग ये सभी प्रश्न तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे अगला, जो कि मानचित्र से संबंधित होगा, 9 का के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन है तो 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से हैं, इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं, इसी तरह के प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ,
ये प्रश्न एक नंबर का है। वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, ये भी एक नंबर का है, आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। वह स्थान जहां से डांडी मार्च शुरू हुआ और वह स्थान जहां प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इसके बाद नौ खा के अंतर्गत प्रश्न इस प्रकार से दिए हैं। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। टिहरी बांध को यहां पर चिन्ह बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, एक नंबर का प्रश्न आएगा। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र, यहाँ भी चिन्ह बना होगा। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न है मुंबई बंदरगाह को चिन्ह द्वारा, यहाँ पर भी चिन्ह बना होगा। और चौथा है प्रश्न भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को, यहाँ पर भी चिन्ह बना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य आपको दर्शाना है। तो कुल 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा मानचित्र से संबंधित, यानी 10 नंबर के प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित। बाकी 40 नंबर के प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। 20 नंबर के प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिनका उत्तर आपको देना है OMR सीट में। इस तरह से पेपर का विभाजन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। इसी तरह से मैं आपको सामाजिक विज्ञान के कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।